नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत सोरेन को कल ईडी के रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन वो वहां नहीं गए और उन्होंने CMO के एक कर्मी के माध्यम से ईडी को पत्र भेजकर जानकारी दी कि उन्होंने ईडी के अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने 24 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों के बारे में पूछताछ करने के लिए दफ्तर बुलाया था। इससे पहले 14 अगस्त को भी ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उन्होंने ईडी के समन की वैधानिकता को चुनौती दी थी। ईडी को जवाब देते हुए पत्र में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। CM हेमंत सोरेन ने चेतावनी दी थी कि अगर ईडी ने समन वापस नहीं लिया तो ये कानूनी मोर्चे पर आगे बढ़ेंगे। हेमंत ने पत्र में ये भी उल्लेख किया था कि 30 नवंबर को उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति की विस्तृत जानकारी ईडी को उपलब्ध करा दी थी। बैंक का सारा विवरण भी उपलब्ध कराया गया था। अगर ये दस्तावेज ईडी के कार्यालय से गुम हो गए हैं तो फिर से भेजा जा सकता है। वहीं अब इस मामले में CM हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर दी है। CM हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक पूछताछ नहीं करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में 24 अगस्त को ईडी के दूसरे समन पर उपस्थित होना था, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।